आज का ये एपिसोड देखने के बाद आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता का विरोध आदिवासी भारत में इतनी मजबूती के साथ क्यों हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में हैं और आज अलीराजपुर ज़िले से करीब करीब 50-55 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर एक पहाड़ी की चोटी पर हम हैं और यहां पर एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसे काजल माता का मंदिर कहा जाता है, रानी काजल का मंदिर भी कहा जाता है। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं इसको पालिया बोलते हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं दो लोग और जिनके हाथ में मुर्गे मौजूद हैं। आज हम रानी काजल मंदिर में जाएंगे और यहाँ के जो आदिवासी हैं, और ये भी बता दूं कि यहाँ भिलाला आदिवासी रहते हैं, उनकी इस मंदिर में क्या आस्था है, क्यों आस्था है और कैसे वो यहाँ पर अपनी देवी की उपासना करते हैं, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ आप बाईं तरफ देखेंगे, आपका क्या नाम है दादा? बाई सिंह इनका नाम है और इनकी देखरेख में ये पूरी पूजा पद्धति जो है वो हम देखेंगे। और चलिए, क्योंकि ये जो मंदिर है एक और ऊपर पहाड़ी पर है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो चलें दादा? चलिए, चलते चलते बातें भी होती रहेंगी। तो दादा, ये जो नीचे जो छोटा वाला मंदिर बना हुआ है ये किसका है? ये अपने सब मिलके ये संदो करके बनवाया। अच्छा, नहीं कब बनवाया था ये? ये 5 साल हो गया। तो जो बड़ा मंदिर है ये ऊपर जो है ये कौन सी देवी का है? ये काजल माता। और ये नीचे? ये उसके मुंबई के बेन है। अच्छा, उसके कुंबे की है? मुंबई की बेन है ये। अच्छा, मतलब उसके हस्बैंड की बहन है। तो उसका क्या, इसका क्या नाम है? केडुस माता। हैं? केडुस माता। केडुस माता। तो दोनों में क्या फर्क है? फर्क है तो क्या फर्क है? तो खुड़िया मेंगो की भाभी है। हाँ हाँ, वो भाभी है, ये ननद है। ये ननद है, ये ऊपर वाली भाभी है। हाँ हाँ, तो ऊपर वाली के बारे में क्या मानते हैं आप लोग? ऊपर वाली जो देवी है रानी काजल देवी, यहाँ क्यों आते हैं लोग? अगर अपन मनुष्य के बालक नहीं होते नहीं, इसलिए कहीं मुर्गा हुर्गा लाके ने कहीं मानता लेते हैं तो बालक भी दे सकते हैं। अच्छा, गाय पाटी के ये नहीं होता तो इसके लिए भी मानता करके साला जाता तो उसके भी बालक दे देते गाय के। हाँ, गाय पा भैंस, गाय भैंस बकरी। हाँ, के। अच्छा, ये अपनी आदिवासी। हाँ, तो यहाँ पे कितने लोग आते हैं, कब आते हैं, सबसे ज्यादा कब आते हैं, कौन सा वक्त होता है? सबसे ज्यादा एक नवरात्रि पर, फिर बाद में शिवरात्रि पर बहुत पब्लिक होती है। कितने लोग आ जाते हैं? अरे तो कहीं गिनती नहीं होती। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताओ, एक तो ये बात हो गई कि यहाँ पे बाल बच्चा अगर किसी को नहीं होता है तो वो मान्यता के लिए आता है, उसी तरह से अगर गाय को या बैल या ये भैंस को नहीं हो रहा है बच्चा या बकरी को नहीं हो रहा तो वो भी आते हैं। और भी कोई मान्यता लेके आते हैं? हाँ, हाथ पैर दुखते, कहीं भी पानी नहीं गिरता तब तो 8 दिन तक 10 दिन तक देख सकते हैं। तो फिर वहाँ एक कावराणा करीन है, वहाँ एक बुकड़ा मारता, उस वहाँ से यहाँ के हाट बुकड़िया वो देते,
पहले तो गायना करते हैं। यहाँ पे गायना होता है, वहाँ से भथवाड़ के अंदर कारा राणा करके है, वहाँ से लेकर वहाँ चढ़ा के फिर आते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 घंटे या पानी जब तक नहीं आया तब तक गायना होता है आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार। गाना गाना गायना। अच्छा, तो क्या गाना होता है? बड़वे की। तो ये आप बड़वा हैं, हैं? इनको बड़वा कहा जाता है जी, ये जो है। हाँ। पुजारा या बड़वा? हाँ, सेम ही है, पुजारा बड़वा एक ही होता है। एक ही होता है, एक ही होता है। तो आपका पूरा विश्वास है कि यहाँ पे उपासना करने से पानी बरस जाता है? कभी हुआ है ऐसा पहले? पहले डाया बूढ़ा होता। हाँ। उसके जमाना में भी ऐसा करता है, अभी भी ऐसा पानी रुक जाता है। हाँ। इसलिए अच्छा को ठाकुर को, ये हमारा वाकनेर के पोटिल है। हाँ। इसको अच्छा धागा करके बांध देते हैं यहाँ माता के सामने। ठाकुर को बांध देते हैं? हाँ, ठाकुर के पोटिल की, पोटिल को। हाँ। अच्छा, तो उसको जब तक पानी आएगा तब तक यहाँ कहीं नहीं, खाली भैंस के दूध उतना पिलाता। अच्छा, बांध के रखते हैं? हाँ, बांध के रखता। अच्छा, अनाज नहीं उनको खिलाता। अच्छा, खाली दूध इतना पियाता। तो उनके परिवार के लोग आपसे नाराज नहीं होते? कहीं नहीं होता, ये अच्छा। सब के लिए है। अच्छा, अकेला के लिए नहीं। आप थोड़ा सा समझाने समझाइए तो। सर ये बता रहा कि यहाँ पे उपवास के लिए ठाकुर और पटेल को बांध देते हैं। अच्छा, और पानी तो मेरे ख्याल से तो 7 या 9 दिन के बाद गिर ही जाता है पानी। 7-8 दिन तक आप बांध के रख लेते हैं ठाकुर और पटेल को? हाँ। तो उनके परिवार के लोग लड़ते नहीं हैं? नहीं, 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 नहीं लड़ेंगे नहीं। और अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो? नहीं होते सर, नहीं। वो उस दिन उपास में उनको दूध दिया जाता है। हाँ, 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 हाँ। उनकी भी पर देख रहे थे, और वो जो ढाक बोलते हैं हमारे आदिवासी में। हाँ, हाँ। वो उसका जो जैसे भजन कीर्तन होता कि नहीं। हाँ, हाँ। उसी प्रकार रात दिन करते रहते हैं सर। अच्छा, जब तक पानी नहीं गिरे तब तक। वो गायन जो बोल रहे थे आप? हाँ, वो गायन गायन। तो आपको कुछ याद आ रही है, कुछ लाइन आपको आती है गायन की? गायन कहते उससे मन से गाते। हाँ। ये वो तो गायन तो गायन होता सर, उनकी लैंग्वेज अलग रहती है। अच्छा, जिसमें बता दूं कि रानी का जो करके ना, ये ऐसे भिड़ते हैं ना यार, दो लाइन सर, मैं मालूम नहीं है, बाकी ऐसे करके भिड़ते हैं। अच्छा, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग ही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पूरे अच्छा, जो अच्छा, आदिवासी लैंग्वेज ये ऐसे आती नहीं, टुपुक 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 बजाते। अच्छा 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 रानी काजल कौन थी, कुछ पता है इस बारे में, या आपकी पीढ़ियों से होती आ रही है तो आप भी कर रहे हैं? ये तो सर अब मान के चलो कि हमारे को इतना पता नहीं, हम जो पीढ़ी आगे से जो करते आ रहे हैं हमारे बाप दादा। हाँ, हाँ। उसके हिसाब से हम करते आ रहे हैं सर। तो किसी ने बताया नहीं कि ये भील रानी थी या भिलाला रानी थी, कैसे इनका नाम काजल रानी पड़ा? ये सर 7-8 बहन है सर। हाँ, हाँ। एक अभी रानी काजल माता है। हाँ, हाँ। उधर यहाँ मोगी माता है, वो बहुत बड़ा वहाँ पे पावागढ़। यहाँ मोगी तो गुजरात में है, गए हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। उधर एक गढ़ का तालाब है। हाँ, 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 हाँ। वहाँ पे ये सब बहने बहुत सारी हैं। अच्छा, तोरण माल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 7 बहन है सर। फिर आप मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ मोगी का जो मंदिर है सागबारा में गए हम वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, वसावा आदिवासियों का इलाका है ना वो? जी 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 सर। तो हमें वहाँ जाने का मौका मिला है, वहाँ धान चढ़ाया जाता है बलि के अलावा। धान जो होता है वो डांगे आते हैं सर, चावल। हाँ 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 हाँ, वो चावल वो ही चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, वो थोड़ा माता जी का अलग अलग है। तो ये जो जगह है, जो मंदिर है, ये किस, ये जगह का क्या नाम है इस जगह का? ये जगह का नाम रानी काजल माता, शुरू से यहाँ पहले राजा रजवाड़ा आदिवासी हमारे वहाँ काम करते थे, यहाँ पर राजा था उनके यहाँ। फिर उससे धीरे धीरे यहाँ माता जी कुल देवी तुम्हारी रानी काजल माता है करके पूजने आते थे सब। ये शुरू सदियों से ही है सर। नहीं, लेकिन कोई गांव का नाम तो होगा? हाँ, ये मथवाड़ और वाकनेर सीमा के बीच में है। ये मथवाड़ और वाकनेर, वाकनेर गांवों के बीच में। ये सभी भील भिला। और यहाँ से तो ये जो पानी दिख रहा है ये क्या है? ये नर्मदा। अच्छा, ये भी डूब क्षेत्र है क्या? ये पूरा डूब क्षेत्र है सर, ये पूरा। अच्छा, पूरा डूब क्षेत्र है, सरदार सरोवर डैम से लेके और बड़वानी तक। बड़वानी तक जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये दो गांवों के बीच में जो पहाड़ी है उस पे है, पहाड़ी में है। तो यहाँ पे सिर्फ भिलाला आदिवासी आते हैं? नहीं नहीं, पूरे
पूरे पूरे आदिवासी है, जितने भेल भिलाला हो या कोई जो भी आदिवासी समाज में आता है वो सबके मान्यता पूर्ण होती है और सबके लिए देवी है, सबके लिए, ये कोई किसी से छेड़ता वो नहीं। अच्छा, संपूर्ण आदिवासी समाज। चलिए, बातों बातों में पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए हमें पता ही नहीं चला है। थोड़ी थोड़ी तो सांस फूली थी वैसे, माता जी का आशीर्वाद रहा। अच्छा, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है ना, देख के ही पता चलता है कि बहुत पुराना और आदिवासियों की देवी का मंदिर है। आई 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 पी तो दोस्तों, रानी काजल मंदिर में अब इन दो मुर्गों को झाड़ा देने के बाद इनकी इनको काटा जाएगा, इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। और परंपरा ये है कि बलि के मुर्गे को वापस घर नहीं ले जाते हैं, यहीं पर पकाकर जो भी आपके यार दोस्त होते हैं, आसपास जो लोग होते हैं, उनके साथ मिल बांटकर खाना होता है। इससे पहले भी हमने आपको आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के बारे में कई बार दिखाया है, बताया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, मकसद ये है कि आप आदिवासी समुदायों को थोड़ा सा बेहतर समझ सकें और इसके साथ साथ हमारा देश कितना विविधताओं से भरा हुआ है और आदिवासी भारत में भी कितनी विविधताएं हैं, कितने रंग हैं, कितनी मान्यताएं हैं, कितनी तरह की आस्थाएं हैं, इसको समझ सकें। हाल ही में देश में एक चर्चा बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई थी, अभी थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन बहुत ज़ोर शोर से एक चर्चा शुरू हुई थी जिसको UCC कहा जा रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी के समान नागरिक संहिता। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, देश के सारे नागरिक समान होने चाहिए, चाहे वो विरासत से जुड़े हुए मसले हों, चाहे वो ब्याह शादी से जुड़े हुए मसले हों, तलाक से जुड़े हुए मसले हों, लेकिन समानता अपनी जगह पर है। समानता के नाम पर विविधता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, उस पर एक रूपता नहीं थोपी जा सकती है। और यही हम बार बार मैं भी भारत में बताने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी समुदाय जो हैं उनमें जो धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें बहुत बारीक फर्क होता है,
बहुत थिन लाइन होती है, और जो लोग नेतृत्वकारी होते हैं इनके समाज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप करती हैं, कई तरह की भूमिकाएं होती हैं। मसलन पटेल हैं, तड़वी हैं, बड़वा हैं, पुजारा हैं, ये सारे लोग धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, और समाज के जो बाकी मसले होते हैं, मसलन कोई पारिवारिक कलह का मसला है या कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, उन पंचायतों में भी ये सब लोग शामिल होते हैं, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो और दूसरे जो जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं इनकी सोसाइटी के। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता का विरोध आदिवासी भारत में इतनी मजबूती के साथ क्यों हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाबा नहीं उठाने वाला।